और बांग्लादेश की बगावत की अब सरहद लांघकर पाकिस्तान पहुंच गई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जनता को धमकी दी है। जनरल आसिम मुनीर की वार्निंग है कि अगर कोई अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जनरल की इस धमकी के बाद पूरी दुनिया के अखबारों में ये खबर छप रही है कि क्या पाकिस्तान डर गया है, क्या वहां की सेना को डर सता रहा है कि पाकिस्तान का हाल भी बांग्लादेश जैसा ना हो जाए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रनवे पर विमान खड़ा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आवास की ओर आक्रोशित भीड़ लगातार बढ़ रही है। हेडक्वार्टर रावलपिंडी में बैठे आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने सरेंडर कर दिया है। बलूचिस्तान की बौखलाई आवाम देश को जला डालने पर आमादा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पास पद से इस्तीफा देने और अपने भाई नवाज शरीफ के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। ठीक ऐसी ही तस्वीर है इस वक्त पाकिस्तान की। बांग्लादेश के बगावत वाले नारे लाहौर कराची से लेकर अब खैबर पख्तूनख्वा में गूंज रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मिली जुली सरकार खौफ में है। पाकिस्तान में ऑपरेशन लेपर्ड शुरू हो गया है। इस्लामाबाद में गली गली थ्रेट लेटर के पोस्टर टंग गए हैं। 1971 में पाकिस्तान से अलग बना बांग्लादेश 2024 में पाकिस्तान से कटकर बनेगा बलूचिस्तान। आक्रोश की आंधी अक्सर सरहदें लांघ जाती हैं। शोषण सीमाओं के भीतर कभी कैद नहीं होता। आवाम के खिलाफ अत्याचार की मीनारें हुकूमत चाहे जितनी ऊंची कर ले, उसका एक दिन धूल धूसरित होना तय होता है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का पतन इसका ज्वलंत उदाहरण है। श्रीलंका सरकार की जल्दी तस्वीरें आपके जहन में अब भी ताजा होंगी। कहा जा रहा है कि अब बारी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान जहां पिस्ती सिसकती आभा अपने हुक्मरानों और आर्मी की बंदूकों की नली का मुंह बंद करने के लिए कूच करने वाली है। पाकिस्तान में बांग्लादेश की तरह ही अब छात्र सड़क पर उतरने वाले हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के स्टूडेंट विंग ने पैदल मार्च का ऐलान किया है। पाकिस्तान के नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने एक थ्रेट लेटर जारी किया है। अथॉरिटी ने पाकिस्तान सरकार को किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए अत्यधिक सतर्कता और सावधानी बरतने की सलाह दी है। सूत्रों के मुताबिक यह आंदोलन हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से फंडेड और गाइडेड है। थ्रेट लेटर यानी चेतावनी वाले खत में लिखा गया है कि पीटीआई के कुछ शरारती तत्व अपने युवाओं को लामबंद कर छात्रों को आगे रखकर कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश में हैं। अदियाला जेल में करप्शन के केस में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने 13 और 14 अगस्त को हर परचमे हिलाल और परचमे इंसाफ के साथ सड़कों पर उतरने की अपील की है। पाकिस्तान की आजादी की रात भर जागने के लिए इमरान खान ने अपील की है। शहबाज सरकार के लिए ये मुसीबत नई नहीं है, लेकिन इस बार आंदोलन की तीव्रता शहबाज सरकार के लिए खतरे की घंटी है। ऐसा कहने का सॉलिड आधार आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आवाम की आवाज को बोतलों में बंद करने की हुकूमत और सेना की कोशिशें अब बेकार साबित हो रही हैं। पहली वजह महंगाई, दूसरी वजह बेरोजगारी, तीसरी वजह विदेशी कर्ज, चौथी वजह आतंकवाद, पांचवी वजह हुकूमत का भ्रष्टाचार, छठी वजह आर्मी का अत्याचार, सातवीं वजह विपक्षी पार्टी को कुचला जाना, आठवीं वजह बलूचिस्तान के हक का मारा जाना, नौवीं वजह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ज्यादती, दसवीं वजह गली गली बेरोजगारों की फौज। दलदल में धंसता जा रहा है पाकिस्तान। अराजकता का आलम ऐसा है कि मुल्क तिनके सा बहा जा रहा है और भविष्य में इससे उबरने की कोई आस भी नहीं दिख रही है। तख्ता पलट के माहौल के बिल्कुल अनुकूल हो चला है, लेकिन परेशानी यह है कि वर्तमान आर्मी जनरल आसिम मुनीर में भी इतनी ताकत नहीं बची कि कौम का कानून तोड़ने वालों को कुचल सके। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के बाद अब बारी पाकिस्तान की है। गिलगित बाल्टिस्तान, पीओके, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद,
बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद पाकिस्तान ने खुशी जताई थी। हुकूमत ने कहा था कि नई सरकार बनेगी तो उसके साथ हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन पाकिस्तान के अलंबरदार ये समझने में चूक गए कि जो बांग्लादेश में हुआ वही पाकिस्तान में भी हो सकता है। अब पाकिस्तान के भीतर खलबली मच रही है, सड़क पर संग्राम छिड़ने की आशंका जताई जा रही है, तो आर्मी देख लेने की धमकी देने पर उतर आई है। पाकिस्तानी सेना के प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने जनरल मुनीर के हवाले से कहा है, अगर कोई पाकिस्तान में अराजकता पैदा करने की कोशिश करता है तो अल्लाह की कसम हम उसके सामने खड़े होंगे। दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि ये देश लंबे समय तक चलने के लिए बना है। आर्मी चीफ का ये बयान गीदड़ भभकी से ज्यादा कुछ नहीं है। आपको याद होगा कि पीटीआई के कार्यकर्ता कैसे रावलपिंडी आर्मी के हेडक्वार्टर में घुस गए थे और आर्मी देखती रह गई। आवाम जब सड़क पर उतरती है तो किसी भी थुर्रम खान की धज्जियां उड़ जाती हैं, और यहां तो वर्षों से दबाई और कुचली जाती जनता है। सरकार सेना के साथ मिलकर नैरेटिव कंट्रोल करने और असंतोष को दबाने के मकसद से कदम उठाती रही है। बांग्लादेश की तस्वीरें देख पाकिस्तान की आवाम के दिल में भरोसे की चिंगारी जलने लगी है। जो उनके वर्तमान और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उन्हें भी उखाड़ फेंका जा सकता है। ये भी माना जा रहा है कि बांग्लादेश के आंदोलन के बाद ही पाकिस्तानी युवाओं ने प्रेरणा ली और वो अपने देश की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए राजी हुए हैं। आर्मी चीफ असिम मुनीर देख लेने की धमकी दे रहे हैं तो उसकी वजह भी है। पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन यानी PSF 30 अगस्त तक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को रिहा करने की मांग की है। स्टूडेंट फेडरेशन ने पाकिस्तान की सरकार को अल्टीमेटम भी जारी किया है। छात्रों की मांग है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बेगुनाह हैं और उनको कैद से बाहर निकाला जाए। पूर्व पीएम इमरान खान ने जेल से बड़ा ऐलान किया है। इमरान खान ने कहा कि अगर 9 मई के दंगों के पीटीआई पर लगे आरोप साबित होते हैं तो वो माफी मांगने को तैयार हैं, लेकिन उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उसका जिम्मेदार कौन है। पाकिस्तान में सेना की करामात से पूरी दुनिया वाकिफ है। ये सेना है जिसने 2018 के चुनाव में इमरान खान को कठपुतली बनाया और वोटिंग में खान का साथ देकर उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। सत्ता में आने के बाद इमरान खान ने आर्मी से बगावत कर दी तो इमरान को गद्दी से उतारकर सेना ने शहबाज शरीफ का हाथ पकड़ कुर्सी पर बिठा दिया। लेकिन सेना का डर्टी गेम जनता अब समझ गई है और इसी सिस्टम को सदा के लिए खत्म करने के लिए लोग बांग्लादेश की माफिक पाकिस्तान में आग लगाने पर उतारू हैं। पाकिस्तान में चौतरफा आग। पाकिस्तान में सत्ताधारियों का खेल पाक अधिकृत कश्मीर को भी जला रहा है और बलूचिस्तान को भी, लिहाजा आर्मी बलूचिस्तान में दमन चक्र चला रही है। बलूचिस्तान में भी युवाओं में आक्रोश की आग दहक रही है। खुल्लम खुल्ला आर्मी आंदोलनकारियों पर जो फायरिंग करती है उसके खिलाफ लोग गोल बंद हो चुके हैं। पीटीआई के नेतृत्व में आग भड़की तो पाक अधिकृत कश्मीर से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, सिंध से लोग सीधा इस्लामाबाद की ओर कूच करेंगे। तब क्या होगा ये समझना रॉकेट साइंस नहीं है। शहबाज शरीफ जो इस वक्त सरकार चला रहे हैं उनके पास डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने का कोई रोड मैप नहीं दिख रहा है। जो मिली जुली सरकार चल रही है उसमें भी एकमत नहीं है। कर्ज का भार इतना है कि लोग भूखे मरने को मजबूर हैं। रोटी के लिए क्रांति करने के अलावा आवाम के पास कोई और विकल्प नहीं दिख रहा। सुलगते बलूचिस्तान में आर्मी खून की होली खेल रही है क्योंकि जनता को पाकिस्तानी सरकार को दोहरापन पसंद नहीं। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने के तराने गा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे 1971 में पाकिस्तान से अलग होने के लिए बांग्लादेश में लोग गाते थे। बलूचिस्तान पाकिस्तान से गया तो पाकिस्तान के पास क्या बचेगा, इसकी डिटेल देखिए। पाकिस्तान का बलूचिस्तान देश की कुल जमीन का करीब 44% है। यहाँ पाकिस्तान की करीब 25 करोड़ आबादी में से केवल 6% हिस्से का घर है। अरब सागर का एक विशाल समुद्र तट भी इसके हिस्से में है। खनिज संपदा से भरपूर है, इसीलिए चीन यहाँ अपनी परियोजना चला रहा है जिसका स्थानीय लोग घोर विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसमें उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। बलूचिस्तान का इतिहास चरमपंथ और मानवाधिकारों के उल्लंघन से भरा हुआ है और अब पाकिस्तानी आर्मी का पाप का बलूचिस्तान वाला घड़ा भर चुका दिख रहा है। अब देखना यह है कि बांग्लादेश की आर्मी ने तो जो दिखा बहुत सूझबूझ के साथ काम किया, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के हाथ तो जनता के खून से रंगे हैं। क्या पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हुए तो आर्मी आवाम को तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा देगी, क्योंकि आर्मी चीफ असिम मुनीर ऐसी ही धमकी दे रहे हैं।